नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं जेके न्यूज़ नेटवर्क से और मैं हूं जगदीश सिंह अजीत। आज हमारे साथ बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी हैं मैडम सुनैना मेहता, सेक्रेटरी JMC जम्मू। मैं बेटी हूं कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। मैम, आप हमें बताएं कि आप स्कूल टाइम से ही कैस ऑफिसर बनना चाहती थी या फिर मतलब कि एक पढ़ते पढ़ते बन गई? बचपन से ही मेरा एक ही एम्बिशन था टू जॉइन सिविल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। तो उसमें मेरा IAS ही पहला फोकस था क्योंकि उस टाइम कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के एग्ज़ाम भी नहीं हुआ करते थे, तो उसके बारे में तो इतना पता नहीं था, बट यही था कि IAS करके और समाज की सेवा की जाए। तो ये एम्बिशन राइट फ्रॉम सेकेंड था, सेकेंड क्लास। आप इससे पहले आप मढ़ अखनूर SDM रही हैं और वहाँ पर आपके काम को बहुत सराहा गया है और आपको SDM का मतलब एक अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। तो खासतौर भी जब SDM थे आप, तो वहाँ पे क्या कि हमारे जैसे हमारी स्टेट में मेन जो एक इशू रहता है लोगों को वो रहता है स्टेट सब्जेक्ट का जी। बहुत सारों के बेचारों के बनते ही नहीं है किसी न किसी वजह से, तो लोगों ने आपको वहाँ पे बहुत बड़ा प्यार दिया, आज भी लोग मतलब आपको वहाँ पे याद करते हैं। ये मेरी खुशनसीबी है कि मुझे बतौर SDM काम करने का मौका मिला और वो भी दो दो सब डिविजन्स में। और जैसे कि मैंने देखा वहाँ पे कि कुछ ऐसा सिस्टम था कि लोगों को स्टेट सब्जेक्ट बहुत आसानी से नहीं मिल पा रहे थे, तो फिर हमने ये डिसाइड किया कि क्यों ना हम कैंप्स लगा के लोगों को घर घर जाके जो PRC है वो दी जाए। और एक स्क्रीनिंग कमेटी अपने ऑफिस में बनाई, कुछ अच्छे ऑफिसर्स जो कि उसको एनालाइज करें, अगर किन्हीं के जेन्युइन केसेस हैं जिन लोगों के, वो केसेस ना पड़े रहें। तो मेरी यही प्रायोरिटी रहती थी कि जल्द से जल्द इन लोगों के जो स्टेट सब्जेक्ट्स हैं वो इनके घरों तक और बगैर किसी तरीके के किसी खर्चे के ये पहुँचे वहाँ पर। हम वैसा ही अखनूर में मेरा रहा कि वहाँ भी हमने मेरा मांद्रिया जैसे एक तहसील थी, वो बहुत दूर दराज की थी तहसील, कुछ लोगों को तो वहाँ से आने के लिए पहले 10 दिन सोचना पड़ता था कि अखनूर जाना है। तो ये चीज़ मद्देनजर रखते हुए और आगे ऑफिसर कहाँ बिजी है, ऑफिस में है या नहीं है, तो वो फैसिलिटी जो है वो उनको मिल पाएगी या नहीं, तो वो चीज़ भी मेरे को थोड़ी सी रहता था माइंड में कि मैं गरीबों को और महिलाओं को और छोटे बच्चे कई बार अपने केसेस फॉलो करने आते थे, तो मुझे लगता था कि नहीं, हमारा ये जिम्मेदारी है कि हम वहाँ पर इनको घर घर में जो है वो पहुँचाएँ। तो हम पंचायत में जाके वो कैंप्स लगा के वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करते थे। अखनूर में भी बहुत से कैंप्स लगाए, वैसे ही मढ़ में भी लगाए। तो मेरी यही प्रायोरिटी रहती है कि जिस भी कुर्सी पे मैं बैठती हूँ तो मैं समाज की सेवा करूँ और ऐसे कार्य करूँ कि लोगों को अपने आप फैसिलिटीज़ जो है वो मुहैया हों, उनको तड़पना ना पड़े फैसिलिटीज़ के लिए, क्योंकि हम लोग समाज सेवा के लिए और पब्लिक की सेवा के लिए बैठे हैं और ये मंशा लेके हम लोग सर्विसेज ज्वाइन करते हैं। तो जब ये सर्विस हमें मिल जाए तो फिर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम इनके सेवा के लिए ही इन कुर्सियों पर तैनात किए गए हैं। अभी जैसे आप जम्मू में हैं तो जम्मू शहर को खूबसूरत बनाने के लिए जैसे हम देख सकते हैं कि जम्मू का जो हमारा मेन ब्रिज है तो उसमें आपने बहुत ही खूबसूरती से जैसे गमले फ्लावर्स वगैरह गमले लगाए हैं, उसके आगे हम चले जाते हैं फ्लाईओवर पे, तो अभी आप वहाँ पे भी आपकी तरफ से पेंटिंग्स करवाई जा रही हैं और बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग्स हैं। कहीं ना कहीं ये आपका शौक भी मुझे लगता है, हॉबीज भी रही है। तो और आने वाले दिनों में आपके इस तरह के कौन से कैसे प्रोजेक्ट रहेंगे कि जिससे हमारा जम्मू शहर जो है वो और ज़्यादा खूबसूरत बन सके? जैसे आप लोग जानते हैं कि जम्मू को एक स्मार्ट सिटी बनाने का भी मिशन है। बिल्कुल है। तो वैसे जब मैंने ज्वाइन किया, जो जो हमें लगती थी त्रुटियां, तो मुझे ये एहसास होता था कि कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए लोगों को इन्वॉल्व करके हम अच्छा शहर को खूबसूरत बना सकें। तो जैसे आप देखेंगे अगर विक्रम चौक से लेके गांधीनगर कॉलेज तक, हाँ, जो पेंटिंग्स हैं वॉल्स की, इवन वॉल्स पेंटिंग जो है वो हमने थ्रू अ कंपटीशन करवाया, वॉल पेंटिंग कंपटीशन करवाया, जिसमें बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे पेंटर्स ने पार्टिसिपेट किया और वो दीवारें खूबसूरत की। जब हमारा वो कंपटीशन वाला समाप्त हुआ, फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा यही रहा कि ये पिलर्स हैं, इन पे किसी तरीके की डिफेसमेंट भी ना हो। तो उस टाइम हमारे कमिश्नर साहब रमेश सर थे, उनका भी यही मन था कि शहर खूबसूरत होना चाहिए, जॉइंट कमिश्नर साहब थे रशपाल साहब, और हमने सब ने करके तो ये पेंटिंग्स का जो है माइंड में ये रख के किया गया कि जो जम्मू कश्मीर का कल्चर है वो यहाँ से जो भी लोग गुजरें उनको उस कल्चर के बारे में ज्ञात हो
और पता लगे। और ये हमारा प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूटी में है, अभी हमारी डिस्कशंस चल रही हैं और हम अभी उन दीवारों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं जहाँ पर हमने आगे ये कार्यक्रम कराना है और लोगों को भी हमने इसमें इन्वॉल्व करना है और हमारे बच्चे जो बड़े प्रतिभावान हैं उनको भी हम इन्वॉल्व करेंगे बहुत जल्द। आपकी फर्स्ट पेंटिंग से ही पता चलता है। यस यस मैम, इसके अलावा जैसे एक बड़ी प्रॉब्लम है शहर में कि पॉलिथीन जो है हमारा बैग्स प्लास्टिक है, इस पर कहीं हद तक तो कंट्रोल हुआ है, बट ऐसा नहीं हो सकता कि जहाँ से आ रहा है, देखिए ये तो छोटी छोटी शॉप्स पे हो गया कि चलता है कि चलो किसी के पास है एक दो के जी में चार के जी में, पर जहाँ से ये बन के तैयार होके आता है उस पर कुछ किया जाए जहाँ तक कि बंद हो। देखिए अभी भी जैसे अभी ये मौसम चल रहा है, बारिश होती है या गैस, बड़ा इसका लॉस है शहर को। तो इस पर है कोई आपकी तरफ से कोई प्रोजेक्ट? इस पर हमारी देखो रेगुलर ड्राइव्स तो जेएमसी की तरफ से चलती रहती हैं, पर उसके साथ साथ ये है कि इट्स अ पॉलिसी डिसीशन विच हैज़ टू बी टेकन, मतलब वो उस पर कार्रवाई जो है मे बी द प्रोसेस इज गोइंग ऑन। तो सबको पता है कि पॉलीथीन जो है इट्स डिजास्ट्रस इंडीड, तो फॉर द हेल्थ ऑफ द इंडिविजुअल्स एंड एनिमल्स एज वेल, और हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस भी इससे ख़राब होता है। तो डेफिनेटली इस तरीके के आगे हमारा ध्यान जो है वो होगा और आगे कुछ ना कुछ अच्छे डिसीशंस आएंगे। एक तो आपने बहुत सारे कदम उठाए भी हैं जो एंटी इंक्रोचमेंट लैंड्स को लेके है, ये तो फुटपाथ से स्टार्ट हो जाती है, इसमें आपने बहुत सारी जगहों पे अभी काम आपका चल रहा है, पर आगे भी आप लोगों को मैसेज देने। देखिए प्रशासन को भी एक दिक्कत होती है उनको हटाने में, और उनको खुद भी होती है जब वो लगा लेते हैं बड़ी आसानी से, किसी को भी बोल के यार मैंने लगानी है नहीं, पर जब हटाते समय दोनों तरफ दिक्कत रहती है। तो मतलब आप एक चैनल हमारी इसके जेके न्यूज़ नेटवर्क की तरफ से उनको कुछ कहना चाहेंगी कि ऐसा काम बिल्कुल ना करें कि जो इनलीगल है? देखिए इस पे तो दिस इज़ अ सब्जेक्ट विच इज़ वेरी डियर टू मी, क्योंकि जब मैंने ज्वाइन किया तो पहली चीज़ें यही आई नज़र में कि लोग दीवारों पे पोस्टर चिपका देते हैं, किसी जगह पे वो होर्डिंग लगा देंगे, वो इलीगल होर्डिंग मानी जाती है जो कि परमिशन के बगैर होर्डिंग हो, कोई भी कहीं भी उठा के बोर्ड लगा देता था। तो उसमें जैसे ही मैंने ज्वाइन किया, एसीआर मैडम थी हमारी विराक्षी कॉल मैडम, हम दोनों ने एक रमेश सर ने बहुत इंटरेस्ट लिया इसमें, वी स्टार्टेड द प्रोसेस, और इसमें हमने स्टार्ट किया रेगुलर ड्राइव्स का प्रोसेस जो पहले चलता था, बट हमने उसको थोड़ा इंटेंसिव ड्राइव किया कि हमें शहर में कहीं भी इलीगल होर्डिंग नहीं दिखनी चाहिए, और वो हमारे फ्लाइंग स्क्वाड्स जो हैं वो बने हुए हैं लगातार, उन फ्लाइंग स्क्वाड्स के साथ हमने खुद भी जाके ढाई ढाई तीन तीन किलोमीटर उसमें इंक्रोचमेंट जो लोगों ने की होती थी शॉपकीपर्स ने, प्लस फुटपाथ्स पे जो इतनी बड़ी बड़ी फड़ियाँ लगी हुई हैं उन चीज़ों पे, प्लस रेडीज जो कि हर एक आपको 10 कदम पे आपको एक रेडी दिख रही थी जो कि इवन ट्रैफिक के लिए भी बड़ा ज़्यादा मुश्किल क्रिएट करती थी, ट्रैफिक जैम्स भी उससे आते थे। तो वो तीनों मुद्दे लेके हम लोगों ने काम करना शुरू किया, पिछले 7 महीनों से मैं उस काम को कर रही हूँ, और आज अगर आप देखें तो जो मेरी अपनी पर्सनल मानना है कि हम बहुत हद तक कामयाब हुए हैं, शहर के लोगों ने हमारा साथ दिया है। पर उसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि जो रिपीटेड वॉयलेशंस होती हैं कि अगर किसी ने नहीं देखा तो चलो अब फिर से लगा लेते हैं, जेएमसी की टीम नहीं आई, वो मंशा हमारे माइंड से जो है वो निकलनी चाहिए, क्योंकि अब हम भी जो मेरी पूरी टीम है, जो हमारे कमिश्नर साहब हैं, जैसे अभी हमारे कोतवाल साहब हमारे कमिश्नर हैं, उनकी बहुत बड़ी विजन है कि शहर को स्मार्ट सिटी का काम शुरू करने से पहले शहर में लोगों के माइंड्स को भी जो है वो स्मार्ट ओरिएंटेड करने की ज़रूरत है। और हमने पिछले दिनों यहाँ पे राजतिलक रोड में जो कि इतने बड़े बड़े हमारे स्टेप्स बड़े हुए थे जिसकी वजह से बच्चों को बुज़ुर्गों को चलने की दिक्कत आती थी, हमने वो ड्राइव्स भी करवाई, और उस ड्राइव का हमें ये फ़ायदा हुआ कि जो प्रेसिडेंट थे या मार्केट के जितने भी लोग थे वो सब सामने आए, कहते मैडम ये जो आपने किया अगर आप हमें कहते हैं तो हम आपका भी सहयोग करते हैं, आप प्लीज़ हमें एक पीली लाइन लगा के दीजिए, एक पीली लाइन खींच दीजिए जो हमें पता हो कि यहाँ पर ये हमने एक्सटेंड किया है थड़ा, या हमारा सामान जो है यहाँ से बाहर नहीं आना चाहिए। क्योंकि इसका मैं थोड़ा सा इसके साथ भी डिस्कस करूँगी कि पिछले दिनों हमें पिल भी चल रही है, हमें ऑनरेबल हाई कोर्ट की डायरेक्शंस भी हैं, तो हमने करीब 500 के करीब दुकानदार हैं उनको नोटिस निकाले, इनिशियल नोटिस निकाले पहले कि भैया अपना सामान अंदर कर लीजिए, और मैं कहूँगी कि 350 के करीब या 400 के करीब जो दुकानदार हैं उन्होंने पहले नोटिस पे ही अपना सामान पीछे करके हमें जवाब भेजा फ़ोटो लगा के कि मैडम हमने आपकी बात जो है मान ली है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एक्ट के तहत जो आप लागू करवाना चाहते हैं हम उसके लिए रेडी हैं।
कुछ ऐसे थे जो नहीं माने, हमें उनको सील करना पड़ा फाइनल नोटिस देके, और वो कोर्ट से उनको छुड़ानी पड़ी पेनल्टी देके, और फिर वो डीसील करवानी पड़ी। उससे एक बहुत अच्छा मैसेज गया, दुकानदारों ने वो खुद ब खुद न्यू प्लॉट में भी अपने शटर लाइन के साथ आना शुरू हो गए, वो बड़ा अच्छा रहा। पर सिटी में बहुत सी पॉकेट्स थी, जो कि हमारा पुरानी मंडी है जैसे, वो तो पूरा एक दुकान है अगर तो उसके साथ ही एक फड़ी होती है। वो चीज़ें जो थी, जब हमने वो चीज़ देखी तो हमने इन मार्केट वालों के साथ मीटिंग्स की। अब इन मार्केट वालों ने ही खुद हमें कहा कि हमें येलो लाइन मिल जाएगी, हम कभी भी आगे नहीं आएंगे। तो मेरा लोगों से यही मैसेज है कि आप लोग खुद जहाँ पे इंक्रोचमेंट है, जहाँ थड़ा बाहर है, खुद बनाया हुआ है, खुद कवर किया है, पब्लिक का रास्ता रोका हुआ है, तो कृपया जो लाइन मिल रही है उसके हिसाब से उसको खुद एडजस्ट करें। वरना जब जेएमसी की जेसीबी जाती है, टीम जाती है, तो नुकसान आप मैं कह सकती हूँ कि उसमें एकदम एकदम ऐसा एक्शन होता है कि ज़्यादा उसकी जब कॉस्ट उसको प्रॉपर करेंगे आप, तो इट विल टेक मोर टाइम एंड मोर एफर्ट। तो इसलिए बेटर ये है कि खुद ही हम संभल जाएं, खुद ही जो हमने स्टेप्स बढ़ाए हैं चार चार पाँच पाँच, और बहुत अच्छे हमारे बड़े बड़े शॉपकीपर्स हैं, तो वो खुद इतने समझदार लोग हैं। तो मेरी उम्मीद, मैं उम्मीद करती हूँ कि जब इतना कुछ शहर में हम लोग कर रहे हैं प्रयास, तो मेरी उनसे भी उम्मीद है कि वो खुद आगे आकर हमारी बात को माने। जैसे मैं कनक मंडी के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने हमारा खुद सहयोग दिया, हमने टूरिंग की, कमिश्नर साहब ने, जॉइंट कमिश्नर साहब ने, वो खुद गए, खुद बोला बंद हो गया। हाँ, तो अब वो प्रोसेस अभी भी चल रहा है, वो आगे भी चलेगा, सुपर बाजार में भी चलेगा। पहले हम ओल्ड सिटी को पकड़ेंगे, जैन बाजार, मोती बाजार, वो प्रोसेस चल भी रहा है, रानी पार्क को पकड़ेंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे हम आउटर जो हमारे हैं उनको भी हम करेंगे। बट मेरा ये है कि लोग संभल जाएं, हर जगह समझ भी जाएं कि हमने जम्मू को स्मार्ट बनाना, ये पहला दौर है स्मार्टनेस का। उसके बाद जब फंड्स लगेंगे, उसके पहले ही अगर हमने अच्छा किया होगा तो हमारे फंड्स प्रॉपरली यूटिलाइज होंगे। मैम एक बात और, जैसे हम सारे शहर में जीएमसी ने डस्टबिन लगा रखे हैं, मगर अभी भी हम देखते हैं, क्योंकि जो अगर किसी ने 10 बैग्स फेंके हैं तो 10 में से क्या होता है कि मैं कहूँगा कि 800 नीचे पड़े रहते हैं सड़क पे। तो क्या आपकी तरफ से कुछ ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए, अवेयर लोगों को अवेयर करने के लिए कि नहीं आप 10 के 10 बैग डस्टबिन में डालिए, ताकि गाड़ी उठा के डस्टबिन को ले जाए प्रॉपरली, हमारे शहर में कहीं भी गंद ना पड़े। हालांकि अवेयरनेस की तो ज़रूरत है ही है, क्योंकि 21वीं सदी में अभी तो हमारा एक ये भी चल रहा है कि लोगों को शौचालय में जाना चाहिए, तो भारत में कहीं ना कहीं इसकी बहुत ज़रूरत है। पर मैं खासतौर पे इसकी आपके डिपार्टमेंट की बात करूँगा कि इसमें कुछ इस तरह से आप कर रहे हैं, हालांकि आपने गाड़ियाँ भी लगाई हैं कि लोगों के घर से डस्टबिन उठाने के लिए, और एक बड़ी जेन्युइन सी फीस है उसकी। चलो मैं बोलता हूँ कोई नहीं भी दे सकता है, ऐसा कोई इसमें वो नहीं है, बट फिर भी लोगों को चाहिए कि कम से कम बैग को डस्टबिन में फेंके। मैं यही चाहती हूँ कि लोग जो हैं खुद सिविक सेंस लोगों में आनी चाहिए, खुद लगना चाहिए कि हमारा, जैसे हम अपने घर को खूबसूरत रखते हैं, हम देखते हैं कि किसी भी कमरे में किसी तरह के का गंद नहीं होना चाहिए। बच्चों को माँ डांट भी लगाती हैं, बट वो जो हमारी सिविक सेंस है वो हमारे गेट के बाद ख़त्म क्यों हो जाती है? गेट के बाहर जैसे ही हम निकलते हैं फिर हमें लगता है कि ये तो हमारा नहीं है, बट दैट इज़ अ रॉन्ग नोशन। अगर हम अपने गली मोहल्ले को साफ रखेंगे, उसी में हमारी इज्जत भी है और उसी में हमारे बच्चे भी सीखेंगे और बीमारियां कम लगेंगी। आप देखिए हमारी नालियां चोक हो जाती हैं, अगर आप उसको एनालाइज करें, नालियां क्यों चोक होती हैं? लिफाफे फेंके होते हैं, लिफाफे, फिर जब थोड़ा सा भी रेन्स होती हैं तो फिर लोग कहते हैं जेएमसी क्या कर रही है। सो मेरी ये लोगों से रिक्वेस्ट है कि कृपा करके आप ये देखिए कि आपकी नाली के फ्री फ्लो के लिए आपका कूड़ा नाली में नहीं जाना चाहिए, किसी भी तरीके का पॉलिथिन होगा, कुछ होगा, वो नेचुरली रोक लगा देता है। फिर जब जो हमारा सफाई कर्मचारी है वो रेगुलर सफाई कर रहा है और लिफ्टिंग भी हो रही है, वी हैव व्हीकल्स जो कि लिफ्ट करती हैं। हाँ, हमारा लैंडफिल साइट जो है वो कोट भलवाल में चली गई है, जिसकी वजह से गाड़ियों को ज़्यादा टाइम लगता है आने में, थोड़ा टाइम का हो सकता है, बट लिफ्टिंग इज़ बीइंग डन और वी आर इन द प्रोसेस ऑफ प्रोक्योरिंग इवन मोर व्हीकल्स। हम चाहते हैं कि डोर टू डोर कलेक्शन जो है, मैंने पिछले दिनों यहाँ पे राजेंद्र नगर है वहाँ पे डोर टू डोर कलेक्शन है, स्वर्ण विहार में डोर टू डोर कलेक्शन है, दुर्गा नगर में डोर टू डोर कलेक्शन है। आप यकीन मानिए मैं गई थी वहाँ पे खुद एक इंस्पेक्शन करने अपनी टीम लेके, और वहाँ पर मैंने देखा कि डोर टू डोर कलेक्शन का ये फ़ायदा है कि गलियाँ बिल्कुल साफ, कहीं कोई लिफाफा नहीं दिख रहा था, कहीं नालियाँ बिल्कुल साफ। वो मेरा एक ऑन स्पॉट एक विजिट थी, ऐसा नहीं था कि मैंने स्टाफ को बताया हुआ था कि मैं आ रही हूँ।
तो मुझे लगता है कि वो एक बड़ा सक्सेसफुल एंडेवर होगा। लोगों को थोड़ा सा उसमें मानना पड़ेगा, थोड़ी सी जो एक नॉमिनल चार्जेस हैं वो देने पड़ेंगे। अगर वो लोग प्रिपेयर हो जाते हैं तो हम भी इस तैयारी में हैं कि जल्द से जल्द डोर टू डोर कलेक्शन की जाए। मैम, अभी जो आपकी पोस्ट है बड़ी जिम्मेदारी वाली पोस्ट है, बहुत बिजी रहती हैं आप, आपके हस्बैंड संदीप मेहता जी SSP हैं, वो भी बड़े बिजी रहते हैं, तो इस मतलब आपने ऑफिसेज भी देखने हैं और घर भी देखना है, बच्चे भी हैं, कैसे मैनेज करते हैं, कितनी मुश्किल होती है या कितनी आसानी है आपके लिए? जी मैं आपकी मतलब आप जो हमारी बाकी भी महिलाएं हैं बहुत सारी जॉब भी करती हैं, तो सभी को एक मैसेज भी होगा और आपसे जानना भी चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले तो अगर आज मैं यहाँ पर मतलब एक KS ऑफिसर बनी हूँ तो मेरे माँ बाप का उसमें बड़ा योगदान है, मेरे भाइयों का बड़ा योगदान बिल्कुल है, बिल्कुल और उन लोगों ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा मुझे मतलब रास्ता, अगर आप इस पे डिस्कस करेंगे, ये बहुत लंबा रास्ता था यहाँ तक पहुँचने का, जिसमें कि बगैर मेरी परिवार की सपोर्ट के मैं नहीं कर सकती थी कुछ भी, और उन्होंने मेरे मिशन को ज़िंदा रखा। आज लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, मेरे पिताजी ने उसी वक्त, कितना मतलब टाइम था वो, कौन सा टाइम था, जब उनके माइंड में विजन था कि मैंने अपनी बेटी को भी नागबनी स्कूल में ही पढ़ाना है। जी, तो मतलब नागबनी स्कूल वॉज दैट टाइम आई थिंक वन ऑफ द 2 or 3 बेस्ट स्कूल्स, तो हाँ उसमें इसी में आता है। फी भी बहुत ज़्यादा थी, और मेरे फादर के हम 4 बहन भाई थे, चारों को रागबनी स्कूल में डालना, इट वाज अ बिग यू नो मिशन, और उनका ड्रीम था कि मेरी बच्ची जो है वो बच्चों के बराबर पढ़ाई करे और आगे जाके कुछ बने। उनको मेरे में शायद लगता था, मेरी बातें सुनकर उनको लगता था कि ये कुछ ना कुछ कर सकती है, तो शी कैन डू। अब जब उन्होंने वो सपना लेके मुझे यहाँ तक पहुँचाया, और मेरे माइंड में कहीं ना कहीं था जब मेरी फैमिली इस्टेब्लिश होगी आई हैव टू मेंटेन अ बैलेंस, और लकीली मतलब मुझे ऐसे हस्बैंड मिले जो कि बहुत सपोर्टिव हैं, मेहता साहब बहुत ज़्यादा गाइड भी करते हैं और सपोर्ट भी करते हैं, और मेरे हर इंडेवर को, क्योंकि मेरा हर बार ये कोशिश रहती है कुछ नया किया जाए, कुछ इनोवेटिव किया जाए, तो उसमें उनका बहुत योगदान रहता है। उसके साथ साथ जो मेरे बच्चों की जिस तरीके से ग्रूमिंग हुई है, दे ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट आवर मदर हैज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द सोसाइटी ऑल्सो, तो शी इज़ नॉट ओनली आर मदर, शी हैज़ टू सर्व आउटसाइड फॉर द वेलफेयर ऑफ द जनरल पब्लिक। तो वो हमेशा आज उन बच्चों के, मेरे बच्चों के माइंड में ये रहता है कि मम्मा समाज सेवा, अगर उनसे कुछ पूछा जाए तो वो भी यही कहते हैं, लोगों की सेवा करनी, तो वो उनके माइंड में इंस्टिल हो चुका है। तो इन अ वे वो भी मुझे कहीं कहीं, वो जहाँ पे उनको त्रुटियाँ नज़र आती हैं, मम्मा GMC क्या कर रही है, बच्चे मुझे इस तरह से बोलते हैं, मम्मा GMC क्या कर रही है, यहाँ ये स्टार्ट करवाओ। तो अभी वो 5th में है बेटी मेरी, बेटा 7th में है, बट दे हैव डेवलप्ड दैट सिविक सेंस, दे विल नेवर अलाउ एनीबडी टू थ्रो अ रैपर आउटसाइड, ऑलवेज दिल से कि डस्टबिन ढूंढो। हम मचेल की उसमें गए थे अभी किश्तवाड़ में, मचेल यात्रा पे, तो वहाँ पर ऊपर जब माता के भवन पे गए तो वहाँ पे उन्होंने वो खरीदी, वो रानी जूस खरीदा, तो वो दुकानदार, उसने देखा कि लोग सारे फेंक रहे हैं इधर उधर, हमने तो वो उसने जब वो पिया तो वो कहता है भैया डस्टबिन कहाँ है, ही वेंट आई वॉज सिटिंग देयर, वो कहता है मम्मा भैया डस्टबिन कहाँ है, वो कहता है डस्टबिन है, वो कहता है डस्टबिन तो आपका होना चाहिए, कहाँ है निकालो। फिर उसने क्या किया, वो जो गत्ते गत्ता था ना रानी जूस वाला, वो गत्ता निकाल के उसको दिया, उसने कहा इधर फेंक दो, जो दुकानदार था उसने कहा पीछे पहाड़ी पे फेंक दो, उसने कहा नहीं मुझे डस्टबिन ही चाहिए, और उसने गत्ते का डस्टबिन बनाया, मेरे बेटे को दिया, बच्चों को सिखाएंगे, और मेरे बेटे ने उसमें डाला। सो आई वॉज सो इलेटेड, मुझे इतनी खुशी हुई कि इनके दिमाग के अंदर, इनके दिल के अंदर ये चीज़ घुस गई है कि हमने पहाड़ के ऊपर भी, वहाँ नहीं गंद डालना है, शहर तो अलग बात है, हम कहाँ इतनी ऊंचाई पे थे 9,000 फीट की, वहाँ पे भी बच्चा कहता है कि मैंने वहाँ पे भी रैपर नहीं फेंकना है। प्रोफेशनली संदीप सर की भी आपको एडवाइस रहती है कि काम ऐसा करने चाहिए? बहुत ज़्यादा, वैसे भी आप देखिए मैं सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में हूँ, वो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में है, तो ऑब्वियसली सिविल और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का जो एक दूसरे के साथ अच्छा तालमेल रहे तो हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो जो मेरे आप, मैं कहूँगी जो सब डिविजन्स में मैंने काम किया और मेरी अच्छी लाइजनिंग रही और मेरे को अच्छी सपोर्ट रही पुलिस से, मैंने जो चेंजेस लाए हैं, इवन अखनूर में हमने ट्रैफिक को सिस्टम को स्ट्रीमलाइन किया था, वहाँ ट्रैफिक नहीं थी बट हमारे SDPO थे वहाँ पे मुनीश जी, उन्होंने पूरा सपोर्ट किया, शायद मुझे भी ये नैक है इनकी बदौलत कि कैसे हमने एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करना है। तो पुलिस हैज़ ऑलवेज बीन वेरी हेल्पफुल टू मी, और इनकी गाइडेंस तो रहती ही है कि हर महकमे के साथ तालमेल रख के चलें तो अच्छा रिजल्ट आता है, तो दैट इज़ ऑलवेज देयर विद मी। मैम, आप स्पेशली बेटियों के लिए उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं जो बेटियों में मतभेद करते हैं या बोझ समझते हैं? हाँ, बेटी को बोझ समझने वाले जो हैं वो गलत फहमी में हैं बहुत सारी, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो एक बेटी है, एक औरत है या बहन है,
वो इस पूरे संसार की एक मूल है, जिसको कहते हैं एक आधार है, सूत्रधार है। वो सृष्टि जो हमारी चल रही है वो चल ही नारी के, यू कैन से इट्स अ वुमेन जो है, एक एक यूनिवर्स का जो पूरा सर्कल है उसका एक सेंट्रल पॉइंट है। सो लोगों को रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इसमें मैं आपको एक संस्कृत का दोहा भी बोलूँगी, यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, यत्र तास्तु न पूज्यते सर्वास्तत्र फलाक्रिया। इसका ये अर्थ है, ये मनुस्मृति में लिखा गया है, और इसका ये अर्थ है कि जहाँ पर नारी का पूजन होता है, नारी को सम्मान मिलता है, उस वहाँ पर समझें आपकी देवताओं का वास है। और जहाँ पर नारी की इज्जत ना हो और आपके पास बहुत कुछ है, बहुत आपके पास खजाना है, दौलत है, लेकिन अगर वहाँ पर इज्जत नहीं है तो आपके सारे जो एक्शंस हैं, अच्छे वाले एक्शंस भी, वो भी समझिए एक त्रासदी में बदल जाते हैं, वो डिज़ास्ट्रस होता है। तो लोगों को ये समझना चाहिए कि नारी जो है उसके सम्मान के साथ ही हमारी सृष्टि जो है वो चल रही है, और आगे भी वो सृष्टि तभी चलेगी जहाँ नारी की इज्जत होगी। मैम, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके, और आपके आपने जो मुझे सवाल पूछे वो वाकई में आई ओपनर हैं सोसाइटी के लिए भी। तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि जो माताएं बहनें या जो हमारे भाई या जो हमारे बुज़ुर्ग ये सुन रहे हैं वो अपनी सोच बदलें और बेटी को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएँ, ताकि बेटी जो है वो उनका नाम रोशन करे। और एक नहीं, दो दो परिवारों का नाम रोशन करती है बेटी, ससुराल वालों का भी और मायके वालों का भी, और उसी से हमारी सोसाइटी जो है वो आगे चलती है। तो थैंक यू सो मच। बेटी हमें सौभाग्य से मिलती है, बेटी और बेटे में मतभेद ना करें। आप अपने आसपास साफ सफाई रखें, अपनी सेहत का ध्यान रखें। कैमरा पर्सन मक्खन एंड विशाल मेहता के साथ मैं जगदीश सिंह अजीत, JKNN जम्मू।